बसमीम्स अल्लाम वरम्बरकू बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं इनबॉक्स में मुझे क्वेश्चंस आते हैं जी के हमारे बहुत से मसाइल हैं डिप्रेशन है मुझे ये मसला है और मेरी ये प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए देखिए मैं ज़रूर जवाब देता हूँ लेकिन इन सब मसाइल का हल मौजूद है अगर हम उस हल पर आ जाएँ और उस हल को अपना दें वह हल क्या है देखिए अल्लाह सुबहाना ताल आज से तकरीबा साढ़े चौदह सौ साल पहले पंद्रह सौ साल पहले एक शान किताब नाजिल की अपने अल्फाज को नाजिल किया लोहे महफूज से कुरान मजीद हम सब के पास कुरान मजीद अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल जब्त हयात बनाकर भेजा और चूंकि अल्लाह ताला हमारे खालिक है अल्लाह ताला को हमारी सोशल नीड्स का साइकोलॉजिकल नीड्स का फिजिकल नीड्स का पता है तो अल्लाह अल्ला ने कुरान मजीद में सारी की सारी रहनुमाई कर दी अगर मैं आपको कहूँ कि आप कुरान मजीद पढ़िए कुरान मजीद का इल्म हासिल कीजिए दीन का इल्म हासिल कीजिए ये जानिए कि अल्लाह सुबहाना तआला कौन है ये जानिए कि तकदीर क्या है और ये जानिए कि अकीदा क्या है और अल्लाह की सिफात के बारे में पढ़िए और कुरान मजीद के डिफरेंट मौजुआत का मुतालिया कीजिए और मैं आपको बताऊं कि दिस विल हैव अ मैजिकल इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी एंड माइंड सेट इट विल चेंज यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वेन एवर यू विल फील एनी प्रॉब्लम यू विल बी फेस विद एनी प्रॉब्लम एनी चैलेंज यू विल नो वट टू डू बिकॉज नाउ यू आर इक्विप्ड विद द करेक्ट नॉलेज विद द राइट नॉलेज दैट इज द नॉलेज गिवन बाय द सोर्स दैट इज अल्लाह था तो, तो बचाए कि हम बार बार एक प्रॉब्लम से गुजरे बजाय कि हम बार बार उसी प्रॉब्लम पे रोई जाएं। बहुत से लोग होते हैं ना एक प्रॉब्लम से निकल आते हैं दोबारा वैसी प्रॉब्लम आ जाती है फिर फंस जाते हैं दोबारा वैसी प्रॉब्लम आ जाती है फिर फंस जाते हैं तो बात यह है कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी क्योंकि जिंदगी जो है एक इम्तिहान गाह है दुनिया में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी दुनिया में मुकम्मल खुशी नहीं है एक खत्म होगी दूसरी आएगी दूसरी खत्म होगी तीसरी आएगी दिस इज वॉट लाइफ इज बट एवरी टाइम इफ यू विल स्टार्ट क्राइंग लाइक दिस एवरी टाइम इफ यू विल यू नो स्टार्ट सीकिंग हेल्प लाइक दिस में नहीं कहता हेल्प लेना मना है बिल्कुल जायज है बिल्कुल बात की जा सकती हैल्प मांगी जा सकती है लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हम दीन का इलम कीजिए यह दिन इसीलिए आया था कि हमें एक पीसफुल लाइफ और कंटेंटमेंट वाली लाइफ की तरफ लेकर जाए थ्रू सबमिशन टू ऑल माइ टी अल्लाह ते तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है दीन का इलम हासिल कीजिए ठोस इम हासिल कीजिए कुरान मजीद का मुताल कीजिए अच्छी ट्रांसलेशन पढ़िए बहुत सी अच्छी ट्रांसलेशन है सही इंटरनेशनल है इंग्लिश में अगर आप कहें डॉक्टर मोहसिन खान की ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है अब्दुल्ला यूसुफ अली की अच्छी है उर्दू की बात कीजिए तो मौलाना मदूदी की ट्रांसलेशन उर्दू जबान में काफ़ी फेमस है द पॉइंट इज दैट जस्ट अंडरस्टैंड द कुरान जस्ट रीड इट विद द इंटेंशन के मैंने इसको समझना है आपको अल्लाह का भी पता लगेगा आपको बहुत से पॉइंट है वो पता लगेंगे किसी की रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है बहुत से मुस्तमा मौजूद हैं फीमेल्स में भी मेल्स में भी उनकी रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है उनके लेक्चर्स लिए जा सकते हैं कुरने मजीद के ऊपर रियाज साल का मुताया कीजिए बहुत ज़बरदस्त बुक है दो जल्दों पर मुश्तमिल है रसूल अल्लाह की uh, बहुत सी अदीस का उसमें मजमू हैल चेंजेस इन यू सो रिमेंबर दिस माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दैट सीक द नॉलेज ऑफ रिलीजन एंड यू के वेन एवर यू आर फेस्ड विद एनी टफ सिचुएशन एनी प्रॉब्लम अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड यू विल फील एम्पावर्ड एंड यू विल फील केन आई कैन फाइट चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ तो यही मेरा आप सबको आज का पैगाम है होपफफुल इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे अल्लाह ताला हमें समझ की तोफ़ी अदा फरमाएँ दीन से रहनुमाई लेने की तोफ़ी अदा फरमाएँ अल्लाह हम सब पे रहमक्ररम फ़रमाएँ व अल्लम व वरक